पाटेश्वर धाम में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ व जीव बलि को लेकर कलेक्टर द्वारा राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। सर्व हिंदू समाज के द्वारा आज यमुना पुराना बस स्टैंड में पाटेश्वर धाम जामड़ी पाट आश्रम के मंदिर में जीव बलि करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर सर्व हिंदू समाज समिति बेमित्रा ने राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन सौंपने के पहले सर्व हिंदू समाज द्वारा इस तरह से असामाजिक तत्वों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए सभी ने अपने विचार व्यक्त किए। उसके बाद सर्व हिंदू समाज द्वारा पुराना बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट तक बाइक रैली निकाली गई। तत्पश्चात कलेक्टर द्वारा राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है व निर्दोषों को निशर्त छोड़ने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि 1 मई को सुबह लगभग 11 बजे पाटेश्वर धाम जामड़ी पाट आश्रम में कुछ असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा झुंड में घुसकर आश्रम के सेवादारों को डराकर वर्षों से चली आ रही सेत प्रथा का उल्लंघन कर जीव बलि दी गई। वहां तत्काल पुलिस बल व सुरक्षा उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया। परिणाम स्वरूप एक बार भी फिर हिंदुओं की आस्था और विश्वास पर असामाजिक लोगों द्वारा आघात पहुंचाया गया है। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी होते ही आश्रम परिवार के साधकों व लोगों ने आस्था की रक्षा के लिए जामड़ी पाट आश्रम पहुंचे। तब तक वह लोग जा चुके थे, लेकिन गांव के बाहर शराब के नशे में उक्त असामाजिक तत्वों ने बातचीत करने आए सभी लोगों पर पथराव और मारपीट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भगदड़ मच गई। असामाजिक तत्वों के द्वारा मारपीट किया गया। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा निष्पक्ष कार्रवाई की बजाय एक तरफा कार्रवाई करते हुए जिनके साथ मारपीट हुई थी, जो अपने आस्था मान्यता की रक्षा कर रहे थे, उन्हीं के ऊपर धाराएं लगाकर जेल भेजने की तैयारी में है। सर्व हिंदू समाज समिति बेमित्रा ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से मांग की है कि बिना किसी दबाव के दोनों पक्षों की निष्पक्षता से जांच करें, जो भी अपराधी निकले उस पर कार्रवाई की जाए। क्या था प्रदर्शन आज रैली के मुख्य अध्यक्ष श्री विशेश्वर पटेल जी गौशाला के पूर्व अध्यक्ष थे और वहाँ पर हम लोगों के द्वारा मंच के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया अमित बघेल और सोहन कोटे के खिलाफ में, और उसके बाद में बाइक के माध्यम से शांतिपूर्वक कलेक्टर ऑफिस में जाकर वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है कि सोहन कोटे के ऊपर में तत्काल FIR करके उनको गिरफ्तार किया जाए और अमित बघेल की जो गिरफ्तारी हुई है उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसा दुस्साहस कोई व्यक्ति या कोई भी संगठन दोबारा पाटेश्वर धाम की तरफ आंख उठा के भी ना देखे। और अगर कहीं इनके ऊपर में कार्रवाई नहीं होगी तो हमारी अगली रणनीति है रायपुर का घेराव किया जाएगा और रायपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कहाँ कहाँ से लोग आए हुए थे अभी प्रदर्शन में? हमारे अभी इस कार्यक्रम में हमारे पूरे बेमित्रा जिले के आसपास के सभी क्षेत्र के आए थे, नवागढ़, थान, खबरिया, बेरला और प्लस आसपास के ग्रामीण प्लस पूरा हिंदू समाज के जितने भी संगठन हैं उनके सभी लोग आए थे। और यह प्रदर्शन कहाँ कहाँ हुआ है? ये प्रदर्शन इसके बाद में 2-3 जिले में 9 तारीख को कवर्धा में है, उसके बाद पूर्णिया में है, फिर अंबिकापुर साइड में है और प्रबल सिंह प्रताप जी के द्वारा जसपुर साइड भी किया जा रहा है।